Okay, can you guys hear me? Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Neha, awaaz aa rahi hai? Ji, sir. Okay, great. So, ye sari classes online ka faisla hai ki aap logon ne pressure dala hai ya kya wajah kya hui hai? आप लोगों ने कोई वो नहीं किया? आप लोगों से मतलब पूरी स्टूडेंट बॉडी ने कोई वो नहीं किया था एहतजाज या? अच्छा, नो सर, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। आईसीएस नहीं, मैं इसलिए सिर्फ पूछ रहा हूँ क्योंकि एक और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दी है, ऑनलाइन सॉरी ऑन कैंपस। तो खैर, एनीवे, ओके। तो आई होप कि रिपोर्ट पे कुछ प्रोग्रेस हो गई होगी। अगर उस रिपोर्ट के कोई इश्यूज हैं तो वो बता दीजिए, वरना फिर हम कंट्रोल चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और कंक्लूड कर लेंगे। Nobody wants to say anything about the report. कोई question नहीं है, कोई issue नहीं आ रहे। चलें, माशाल्लाह, very good. ठीक है, चलें वो continue करते हैं। last time जो हम कर रहे थे कंट्रोल के टॉपिक को, लेट्स सी, तो सेक्शन सी के साथ हो रहा था। ओके, कंट्रोलिंग, ठीक है। Just a second. Controlling. Okay. ओके, स्क्रीन नजर आ रही है वो आपको? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो कंट्रोल का फंक्शन एक एंड का फंक्शन है, उस साइकिल में प्लानिंग, उस मैनेजमेंट की साइकिल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और फिर कंट्रोल, जिसमें जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था कि इसमें आप देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है और उसको फिर कंपेयर करते हैं कि होना क्या था, और वो जो भी होना था वो डायरेक्टली हम ले रहे हैं प्लान से। प्लान का जो गोल था वो कंट्रोल का स्टैंडर्ड बन जाता है, और अगर डिविएशन आती है, और अभी हम देखेंगे कि डिविएशन के भी लेवल्स होते हैं, अगर डिविएशन ज़्यादा आती है तो फिर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, यानी चीज को वापस सही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज सिंपल प्लानिंग। हमने इसके तीन स्टेप्स देख लिए थे और अभी एक डायग्राम में देखेंगे कि इसके जो एक और डिटेल्ड वर्जन है इन तीन स्टेप्स का। तो स्टेप वन, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने वो भी देख लिया था कि मेजर कैसे करते हैं, खुद से कर सकते हैं मेजर या आप किसी को
भेज के कर सकते हैं मेजर, और वो जिसको आपने भेजा है कि भाई बताओ क्या हो रहा है, वो आपको वर्बली या ओरली रिपोर्ट कर सकते हैं और रिटर्न फॉर्म में भी कर सकते हैं। और रिटर्न फॉर्म का एक वर्जन था स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट, कि डेटा अगर ज़्यादा है तो उसमें कोई एवरेज निकाल के, कोई स्टैंडर्ड डिविएशन, कोई और को रिलेशनशिप कुछ करके वो आपको दें, ताकि डेटा से सेंस बन सके। तो मेजर कर लिया, फिर कंपेयर किया गोल गोल से कि भाई गोल अचीव हो रहा है नहीं हो रहा और किस हद तक हो रहा है, और फिर जरूरत अगर पड़े तो करेक्टिव एक्शन जो है आप ले सकते। You've seen this, we've seen this diagram, exhibit 18-3, क्या क्या sources होते हैं, deviation का आपको बताया था, ये diagram भी cover किया था कि एक आपका standard है और उससे ऊंच नीच एक limit तक हो सकती है, ठीक है। और कुछ चीज़ों में खासतौर पर manufacturing की अगर आप बात कर रहे हैं और उसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट में, तो उनको आपस में फिट होना है, तो फिर ये रेंज ऑफ वेरिएशन बड़ी नैरो हो जाती है। मे बी योर मेजरिंग इन मिलीमीटर्स और माइक्रो मिलीमीटर्स, जैसे आपको मिसाल बताई थी कि बॉटल और उसका कैप है, तो बॉटल और कैप के जो ओपनिंग है उसकी सर्कमफ्रेंस में अगर डायमीटर में ज़रा सा फर्क होगा, तो फिर वो कैप जो है या तो बंद टाइट बहुत ज्यादा होगा या बहुत लूज होगा, तो मार्जिन ऑफ एरर जो है बड़ा कम होता है। हाँ, अगर ये डायग्राम है कि सेल्स कितनी हो रही है, तो सेल्स में ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें अगले पीरियड में काफी हद तक एडजस्ट किया जा सकता है। तो जैसे प्लानिंग में हमने देखा था कि प्लानिंग में 4 साल लगते हैं सीखने में प्लानिंग करने के लिए, इसी तरह कंट्रोल फंक्शन में भी ये स्टैंडर्ड्स क्या होंगे और एक्सेप्टेबल अपर और लोअर लिमिट क्या होगी, इसमें भी टाइम लग जाता है डिटरमिन करने। आई होप माय लैपटॉप बैटरी लास्ट बिकॉज़ देयर सम चार्जिंग इशू ऑन माय लैपटॉप, सो एनीवे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द फोन देन। अच्छा जी, ये एक और मिसाल यहाँ दी हुई है एग्जिबिट 18-5 में, होपफुली अगर आवाज आ रही हो अभी भी, कि ये सेल्स की है। तो कोई जैसे समझ रहे हैं नर्सरी नहीं होती, गार्डनिंग सप्लाई फराहम करते हैं, और इनके पास ये मुख्तलिफ किस्म के पौधे और फूल हैं, ठीक है। तो इनका हर किस्म के प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड है कि हमें कितना बेचना है। ये देखें जून इतफाक से जिस महीने में हम हैं, कि भाई जून की सेल्स कितनी होगी इनकी, फिर एक्चुअल सेल्स कितनी हुई उस महीने में, और फिर ओवर या अंडर। अंडर जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत वही ब्रैकेट्स में लिख दिया जाता है जो नेगेटिव में होता है। तो सब्जी वाले जो पौधे हैं वो इतने नहीं बिके जितना स्टैंडर्ड था, और जो सदाबहार फूल हैं पेरेनियल फ्लावर्स वो जो है वो 4 यूनिट ज़्यादा बिक गए। अब ये सेल नहीं दी हुई, मुझे लग रहा है ये यूनिट्स दिए हुए इन्होंने क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। एनुअल फ्लावर्स हर्ब्स हैं, फ्लावरिंग बल्बस हैं, फ्लावरिंग बुशेस हैं, एयरलूम सीड्स हैं, सो ऑन, और फिर एक टोटल का फिगर है कि 3600 इन्होंने बेचने थे और 3777 बेचे, तो ओवरऑल तो ये प्लस में है, ठीक है ना। बट इसमें अगर ओवरऑल प्लस में है तो ये जो नेगेटिव आइटम्स हैं इनमें कोई मसला हो सकता है आपके ख्याल से? आपके कीमती ख्याल से भाई आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3, आवाज आ रही है? नहीं आ रही लग रहा है।
अच्छा भाई आवाज आ रही है तो फिर जवाब भी कोई दे देना। सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ये स्टैंडर्ड थे मुख्तलिफ आइटम्स के, ये एक्चुअल सेल्स हुई और फिर ये डिफरेंस है उनका, तो ओवरऑल टोटल में तो प्लस साइड में आप ठीक है, मगर यहाँ कुछ इंडिविजुअल आइटम में नेगेटिव में है, तो ये कोई तश्वीशनाक कोई बात बन सकती है कि इस पे एक्शन लिया जाए, या बस ठीक है कि टोटल जो है वो सेल्स यूनिट्स की ज्यादा हो गई तो बस आगे 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 बढ़ना चाहिए। एनीबडी हेलो, ओके आई हैव टू डू अ चेक इफ पीपल आर अवेक और नॉट। मिस्टर वकास आर यू देयर? अच्छा भाई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप ये पूछ लें, ऑडिबली पूछ लें, एक मिनट मैं चेक तो कर लूं। वकार साहब आप हैं यहाँ पे या सो गए? मिस्टर मुइज, मोहम्मद दीन साहब, नेहा इज प्रॉबली देयर, नूरुलैन, रुमेल, रुकैया, चंदल यस सर। साहब, ये चंदल खान साहब आप दो दो दफा कैसे रजिस्टर्ड हैं? They're not, there's only one संदल खान, so एक दफा से लॉग इन हो अपने कोई ऑफिशियल उससे। संदल खान साहब राइट, सो मोस्ट पीपल आर आई गेस स्लीपिंग, लॉग इन करके वो सो चुके हैं। सवाल ये है तीसरी दफा कि ये प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, एक नर्सरी जो जिसे हम कहते हैं गार्डनिंग सप्लाई देते हैं, ये उनके गोल्स हैं पहले कॉलम में कि उन्हें कितनी बिक्री करनी है, तीसरे कॉलम में उनकी एक्चुअल सेल्स है कितनी हुई, और चौथे कॉलम में कि पहला कॉलम प्रोडक्ट का है तो ये चौथा कॉलम ओवर या अंडर का है, तो डिफरेंस बताया गया है कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कितना डिफरेंस है ठीक है। जब इन सबको टोटल कर लें तो ओवरऑल प्लस में है, यहाँ से भी देखें कि एक्चुअल सेल्स गोल से ज्यादा हुई है। सवाल यह है कि क्या ये ठीक है बस, और कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, या हमें इन ओवर और अंडर जो आइटम्स आए हैं उन पे कुछ एक्शन लेना चाहिए या सोचना चाहिए? सर गोल से अगर ज्यादा बिके तो ठीक है, अगर कम बिके तो कोई एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आधे आपका जवाब सही है, थोड़ा सा और सोचें। देखिए मकसद मैनेजमेंट का खाली कोई टर्म्स को रट लेना नहीं है या समझ लेना नहीं है, एक्चुअली मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना भी जरूरी है। तो जिनकी सेल ज्यादा हो गई तो आप कह रही हैं वो ठीक है, और जिनकी कम हुई है वो उनको देखना चाहिए, ये आप कह रही हैं? अच्छा जी सर यही। लेट से कि हम ये देखें कि सबसे जो ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वो एयरलूम सीड्स में आ रहा है, जो एक मतलब हाई क्वालिटी या रिवायती वो हैं जो एक नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। इसमें ये होता है कि आपने कोई क्रॉस ब्रीडिंग करके कोई सीड्स बनाए तो वो दूसरे लोगों के पास नहीं है या आपकी स्पेशलिटी है ठीक है ना, तो वो डिफरेंस पॉजिटिव उनका सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब
खाली नहीं है कि चलें बहुत अच्छा हुआ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें पोटेंशियल ज्यादा है और आप स्टैंडर्ड कम रख रहे हैं, ठीक है ना। 540 का स्टैंडर्ड था, गोल था, और 672 की सेल्स हुई है, तो इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, बिग ज्यादा रहा है, जिसका मतलब है फिर आप प्लानिंग के वक्त ये आइटम जो है वो ज्यादा सप्लाई में रखें। ये भी मुमकिन है कि ये सेल और भी ज्यादा होती क्योंकि इसकी डिमांड है इस आइटम की हो गई, और ये एनुअल फ्लावर्स की हो गई, 800 टारगेट था, 912 था। तो अभी हम देखेंगे एक डायग्राम में कि बाज़ दफ़ा आपको स्टैंडर्ड भी रिवाइज करना पड़ता है, ज़ाहिर है फिर उसके लिहाज से प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्शन की। ये क्योंकि एक नर्सरी का है तो आपको गमले, बीज, पानी, जगह का इंतज़ाम ताकि इस किस्म के, या अगर वो उनको स्पेशल केयर चाहिए उन फूलों को, तो फिर आपको वो ग्रीन हाउस टाइप जो है बनाना पड़ेगा। तो ओवर और अंडर दोनों को देखना पड़ेगा, इवन दो खेर ओवरऑल फिगर जो है वो ठीक है। अच्छा, ये आपको शायद लग रहा हो कि ये फर्जी सा एक चार्ट है, यूनिलीवर जहाँ मैं लास्ट काम किया था कॉरपोरेट सेक्टर में, वहाँ ऐसी ही चार्ट, एक्सेप्ट के बहुत बारीक, उसमें मैं फूड्स डिवीजन में था, तो उसमें जितने फूड आइटम्स थे, जैसे ब्लू बैंड मार्जिन, चाय के ब्रांड्स, और ये कुकिंग ऑयल, वनस्पति वगैरह वगैरह, इन सब की पूरे पाकिस्तान की रीजन वाइज, नॉर्थ सेंट्रल साउथ तीन रीजन थे, उनकी सेल बिल्कुल इसी तरह कि कितनी होनी थी कितनी हुई है, और आखिरी कॉलम में, राइट मोस्ट कॉलम में पेज पे वो डिफरेंस डिस्क्रिपेंसी होती। तो जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आती थी, ये रिपोर्ट दो दो हफ्ते बाद आती थी, तो फौरन जो है फिर हम कोशिश करते थे कि नेगेटिव वाले उनको एस्पेक्ट्स को देखें और उनको जो है फिर रीजनल सेल्स ऑफिस वालों को फोन करते थे, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी ज्यादा आई हुई होती थी फिर उनसे पूछा जाता था कि ये क्या हुआ है, और फिर वो नेक्स्ट पीरियड के लिए, यानी नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए कोशिश होती थी करेक्ट हो जाए, ताकि महीने के टारगेट्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। तो ये रियल लाइफ में भी बिल्कुल इसी किस्म के चार्ट को बनाए जाते हैं। ओके, नाउ टू द थर्ड स्टेप, के जब आप देखेंगे कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई है और वो डिस्क्रिपेंसी आपकी एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर है, तो ये जो डॉटेड लाइन है रेड अपर एंड लोअर, अगर इससे बाहर चले जाती है एक्चुअल जो आपका आउटपुट आ रहा है, तो फिर आप करेक्टिव एक्शन जो है वो ले सकते हैं, ठीक करने वाला एक्शन, ठीक है। तो देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट दिस, सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक करने वाला जो इकदाम ले रहे हैं, करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, वो आप लेते हैं। इसमें भी दो किस्में हैं करेक्टिव एक्शन में, कि एक है इमीडिएट करेक्टिव एक्शन, कि फौरी तौर पे जो आपने एक्शन लिया है, मिसाल के तौर पे गाड़ी में पंक्चर हो गया आपकी किसी एक टायर में, तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि अगर आपके पास स्पेयर व्हील है और जैक है तो आप उसको बदलेंगे, बिकॉज कहीं आप सड़क पे खड़े होंगे या घर में होंगे, गाड़ी नहीं चल सकती विदाउट चेंजिंग द टायर। तो ये हो गया इमीडिएट करेक्टिव एक्शन, कि फौरी तौर पे हम हल क्या निकालें। मगर लेट्स से कि आपके उसी टायर में जिसमें एक दफा पंक्चर हुआ है, उसमें हर एक दो हफ्ते बाद पंक्चर हो रहा है, और हर दफा आप खड़े हुए जो है वो स्पेयर व्हील लगा रहे हैं, बदल रहे हैं, फिर उसमें पंक्चर लगवा रहे हैं, तो ये फिर निशानदेही होगी कि कोई बेसिक जो है प्रॉब्लम आ गई है, तो हमें बेसिक करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि मसले का हल जो है वो परमानेंटली निकल आए या सेमी परमानेंट। तो हो सकता है आप टायर वाले के पास जाएं तो वो कहें कि भाई ये आपका टायर जो है खत्म हो चुका है, ये खिंच चुका है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से पंक्चर इसमें बार बार हो रहा है और होता रहेगा। तो बेसिक करेक्टिव एक्शन में आप जो सोर्स है प्रॉब्लम की उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम बार बार ना रिकर हो।
ये मैनेजमेंट में ये भी कहा जाता है कि अच्छा मैनेजर वो है जो कि एक प्रॉब्लम को दोबारा ना होने दे, जिसका मतलब है कि बेसिक करेक्टिव एक्शन ले ले। अब ये आसान नहीं है, मैंने खुद भी देखा कंपनीज में और सुनने को भी आता रहता है जब स्टूडेंट्स जॉब काम कर रहे होते हैं, कि ये टर्म है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे कोई सुन भी रहा है तो ये टर्म तो वही है जो आपने सुनी भी होगी, फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग से वैसे तो मतलब है कि आग बुझाने की जो एफर्ट है, बट मैनेजीरियल टर्म में फायर फाइटिंग का ही होता है कि हर वक्त कोई ना कोई क्राइसिस आ रहा है, कहीं आग लग रही है, नॉट ये कि फैक्ट्री में आग लग गई, कोई मसला आ गया तो वो आग की तरह है। अब मैनेजर इस बात से बहुत तंग आ जाते हैं कि भाई हर वक्त कोई ना कोई मसले आ रहे हैं और बार बार वो एक ही जैसे मसले आ रहे हैं, तो वो फिर मैनेजर का काम होता है कि भाई देखें कि ये बेसिक कॉज है क्या इन मसाइल का, ताकि उसको जो है ठीक किया जा सके। ठीक है जी, ये चीजें समझ में आ गई, इसमें कोई इश्यू? नो सर। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा समझाता हूँ मैं। वाह भाई वाह, क्या बात है मेरी। अच्छा जी भाई, एग्जाम में भी तो उसका रिफ्लेक्शन आए कि हाँ सब समझ आ रहा है। एग्जाम होता है तो फिर पता चलता है कि कुछ भी समझ नहीं आया या तैयारी नहीं, तो वो पूछ लिया करें। एनीवे, तो बार दफा ही होता है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है भी डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपके पिक्चर में क्लियर हो जाएगी कि बार दफा आप देखते हैं कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, तो उसमें फिर सवाल होता है कि शायद हमने स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा रख लिया था। ठीक है, और बाज केसेस में स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नीचे रख लिया था, तो उसको फिर स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ता है। अगेन ये लिंक करता है प्लानिंग के चैप्टर से, जहां हमने देखा था कि प्लानिंग सीखने में टाइम लगता है, रिसर्च के मुताबिक ऑन एवरेज 4 साल लग जाते हैं कि जब तक आपको सही अंदाजा हो कि हाँ भाई प्लानिंग हमें करनी किस तरह से है। तो प्लानिंग में दो ही चीजें, गोल सेट करना और उनके अचीव करने का तरीकेकार बनाना। Now, here's this diagram which I've been referring to continuously. ये कंट्रोल के प्रोसेस का डिटेल्ड डायग्राम है। वो 3 स्टेप्स तो हमने देख लिए थे, स्टैंडर्ड सेटिंग, मेजरिंग एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये उसकी उसका डिटेल्ड वर्जन है। तो ये है पेज 637 पे, अगर आपको देखना हो खुद से। तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, लेफ्ट से जो रेड डॉटेड रेक्टेंगल है, प्लान के जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स थे वो कोई चेंज उसमें नहीं हुआ, सिर्फ नाम का चेंज है, वो आपके मेयार बन गए, स्टैंडर्ड बन गए। ठीक है ना, मेयार को आपने सुना होगा कि मेयार को जी बरकरार रखना पड़ता है, मेयार जो है वो ठीक होना चाहिए। अब मेयार तो डायरेक्टली आ गया आपके प्लानिंग के एक्टिविटीज से। अब स्टार्ट हुआ कंट्रोल प्रोसेस, और वो है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये एरोज आप फॉलो करें तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, ये भी बाकायदा एक मैनेजर या बास केस से मशीन जो है वो देखेंगी। और उसके बाद फिर एक सवालों का सिलसिला शुरू होगा कि क्या स्टैंडर्ड अचीव हो रहा है, तो अगर जवाब है हाँ तो फिर डू नथिंग। अच्छा, ये डू नथिंग से मेरा इख्तिलाफ है, ये इन्होंने लिखा हुआ तो है किताब में, मगर किसी भी किताब की सिवाय आसमानी किताबों की हमें
विदाउट एनी डाउट यकीन नहीं कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो किताबें भेजी हैं वो तो एक बिल्कुल एक अलग ही कैटेगरी है, उसमें तो कोई हम डाउट नहीं कर सकते। ये किताब क्योंकि इंसान की लिखी हुई है तो इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर स्टैंडर्ड अटेन हो रहा है, और अभी ये टॉपिक डिस्कस भी हुआ था थोड़ा सा, तो ये जो डू नथिंग है ये सही है या कुछ और भी हो सकता है? अच्छा, लेट्स से कि फिलहाल डू नथिंग मान लें कि हाँ भाई स्टैंडर्ड अचीव हो गया, जो हमारा गोल था वो पूरा हो गया, अब हम डू नथिंग करें और इसको फॉलो करते हुए आए यहाँ पे, तो वापस हम अगले कंट्रोल जो साइकिल है, जो अगली दफा हमने मेजर करना है, उस पे हम चले जाएं। ठीक है, अच्छा अगर स्टैंडर्ड अटेन नहीं हो रहा है, ये फ्लो चार्ट की तरह है, नो स्टैंडर्ड इज नॉट बीइंग अटेन, तो फिर हम दूसरा सवाल पूछेंगे कि क्या जो वेरिएंस आ रही है वो काबिले कबूल है, यस या नहीं। वेरिएंस क्या है, ये जो हमने एक डायग्राम में यहाँ देखी थी, देखें स्टैंडर्ड ये है स्ट्रेट लाइन, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है वो वेरी कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है, मगर इस केस में वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर है। तो यहाँ तो हम जवाब क्या देंगे कि वेरिएंस एक्सेप्टेबल है या नहीं है इस डायग्राम के मुताबिक। वेरिएंस है सर? नहीं, वेरिएंस तो है, वो वेरिएंस इस डायग्राम के मुताबिक एक्सेप्टेबल है या नहीं। नॉट श्योर सर। एनीबडी एल्स? भाई डायग्राम आपके सामने है, ये ब्लैक स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड है, ये ग्रीन डॉट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये रेड डॉट्स जो है एक्सेप्टेबल अपर और लोअर लिमिट है। हम इस डायग्राम पे वापस इसलिए आए क्योंकि हम ये डिटेल डायग्राम में देख रहे हैं कि वेरिएंस जो आ रही है वो हम सवाल एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये अपने आप से कि क्या ये जो वेरिएशन आ रही है एक्चुअल की स्टैंडर्ड से, क्या वो काबिले कबूल है, हाँ या नहीं। इस डायग्राम को देखते हुए आप क्या जवाब देंगे कि यहाँ जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर किया गया है वो वेरिएंस एक्सेप्टेबल है यहाँ इस डायग्राम के मुताबिक या नहीं। सर एक्सेप्टेबल है। कौन कह रहा है ये? संदल। जी संदल साहब ने बिल्कुल सही कहा, एक्सेप्टेबल रेंज में है, ये नजर आ रहा है कि ये क्योंकि सर ये इनकी हाँ। इनका बॉर्डर बना दी गई और बॉर्डर से ऊपर ना जा रही है लाइन ना नीचे आ रही है, तो ये वेरी कर रहा है इनकी बॉर्डर के अंदर ही वेरी कर रहा है, मगर हमारी एक्सेप्टेबल रेंज में है कि काबिल कबूल है कि हाँ भाई इतनी जो है वो सही है। तो अगर ऐसा हमारी परफॉर्मेंस आ रही है तो इस डायग्राम के मुताबिक हम कहेंगे कि हाँ वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस डायग्राम एंड इस पे अगर मैं ड्रॉ कर लूं, टाइम क्या हो गया 51, ठीक है। हाँ लेट्स सी, लेट्स से हमारे एक्चुअल डेटा जो है वो ये आता है, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल में यहाँ आता, ठीक है, फिर जो है वो यहाँ होता, फिर वो नीचे निकल जाता, ठीक है, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ आता, फिर वो बाहर आ जाता डेटा पॉइंट जो है, तो इस केस में वेरिएंस एक्सेप्टेबल होती है नहीं होती? सर नहीं होती। नहीं होती सर। हाँ बिल्कुल नहीं होती। तो ये चाहे आप डायग्राम के फॉर्म में बनाए या आप टेबल के फॉर्म में बनाए,
भाई इतने लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, नवीद साहब, रिदा, टाइम से आ जाया करें। अच्छा एनीवे लेट्स गो बैक टू आवर डिटेल डायग्राम। तो वेरिएंस अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर हम सवाल पूछेंगे कि क्या स्टैंडर्ड हमने सही बनाया था या नहीं। ये सवाल हम पहले भी देख चुके हैं बाज़ दफ़ा जब प्लानिंग की लर्निंग हो रही होती है या हालात चेंज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के, तो फिर हमें ये सवाल पूछना पड़ता है कि स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है या नहीं। अच्छा ये जहाँ अगर आप मैनेजमेंट के चश्मे लगा के आप देखना शुरू करें ना, अभी ये बताएं कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक जैसे पाकिस्तान में भी इफेक्ट हो रहा है, चल रहा है, इसमें आप में को कोई ये NCOC या गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कोई स्टैंडर्ड्स और एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन नजर आती है आप जो खबरें सुनते हैं? अच्छा भाई सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ। 15 लोग हैं इस वक्त, एक शख्स की आवाज़ नहीं निकलती कि बोले कि हाँ भाई करेंटली कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है उसमें आपको कोई स्टैंडर्ड्स और वेरिएशन और एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन नज़र आती है जिसपे ये NCOC और गवर्नमेंट फैसले करती है पाबंदियाँ लगाने के या खोलने के? जी सर। हाँ क्या जी सर, वजाहत करें, मिसाल बताएं, क्या स्टैंडर्ड नजर आते हैं आपको? सर एरिया के वेरिएशन को देखते हैं सर, जब तादाद बढ़ती है सर बीमार ये इलनेस की तो इसको देख के सर इन पे SOPs लगा दी जाती है। जी रईस बोल रहे थे ये? जी सर रईस बोल रहा हूँ। जी रईस सही कह रहे हैं, ये एक फिगर है आपने सुना होगा कि इन्फेक्शन रेट जो है ना, पॉजिटिविटी रेट कितना आ रहा है infection. तो वो जब लॉकडाउन होने वाला था या लॉकडाउन का ख़त्म करने का फैसला था तो उन्होंने कहा था कि जब तक कि ये आई थिंक 4-5% पे नहीं आ जाएगा तो हम लॉकडाउन नहीं खोलेंगे। तो वो जब आया है पॉजिटिविटी रेशियो कम हुआ है, वेरिएंस अब एक्सेप्टेबल हो गई है, जो इन्फेक्शंस तो अभी भी आ रहे हैं मगर वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है, 5%। जी तो उन्होंने कहा चलें जो है वो खोल लेते हैं। और अगर अब इम्यूनाइजेशन में आपका यकीन हो या ना हो या आप करवाएं ना करवाएं उससे कता ताल्लुक, गवर्नमेंट जो है अपने तौर पे, अगेन गवर्नमेंट की नीयत को भी छोड़ दें, कंस्पिरेसी थ्योरीज को भी छोड़ दें, हम सिर्फ ऐसे ही देखें कंसेप्चुअली, तो ये जो इम्यूनाइजेशन का वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी और गैर सरकारी सारे मुलाजमीन लगवाएंगे, बल्कि सिंध में तो इन्होंने ऐलान किया है कि हर शख्स को वो लगाएंगे वैक्सीन जो है, तो वो बेसिक करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन अगर सबको लग जाए तो शायद ये प्रॉब्लम हल हो जाए या कम से कम इम्पैक्ट कम हो जाए। जी सर प्लीज एक इम्पोर्टेंट सवाल था आपसे, थ्रू आउट द कोर्स है
सर, ये वैक्सीन जो बोल रहे हैं कि लगानी है सर, ये तो इनमें तो कोई है ना सर, कोई साइड इफेक्ट है तो लगानी चाहिए नहीं? देखिए, मैं इस पे कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, या मैं कोई वायरोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मेरा कोई मेडिकल ओपिनियन तो है नहीं। इसमें साइड इफेक्ट कुछ वैक्सीन में तो आए हल्के फुल्के, जो कह रहे हैं और कह रहे हैं परसेंटेज बहुत कम है, और लोग ये कह रहे हैं कि इसके बेनिफिट ज्यादा है और रिस्क जो है वो कम है। ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई अगर जिसको इन्फेक्शन हो भी रहा है तो उस पर असर कम हो रहा है। अब कुछ चीजें थोड़ी सी स्ट्रेंज है कि भाई वैक्सीन लग गया तो फिर इन्फेक्शन हो कैसे रहा है, मगर हो रहा है मगर कम असर हो रहा है उससे, फिर डेथ की रेट जो है वो कम हो रही है, ठीक है ना? तो हाँ, और फिर ये वेरिएशन इतनी है, चाइना का है, रशिया का है, अमेरिका के हैं, इंग्लैंड की वैक्सीन हैं। अब जो एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल के फॉर्मर एम्प्लॉय मुझसे कह रहे थे, जो जिन्होंने खुद नहीं लगवाए, उनका ओपिनियन ये था, कहने लगे कि भाई मैं तो कंपनी में, मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में देखा है कि जो ट्रायल पीरियड होता है वो 5 से 8 साल होता है। तो ठीक है, इन्होंने वैक्सीन तो बहुत जल्दी बना लिया, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई है, बट जो ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है और साइड इफेक्ट का जो टाइम पीरियड होता है वो तो नहीं चेंज हुआ ना। हमारी बॉडी तो वही की वही है जो हजारों सालों से है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो भाई वेट कर रहा हूँ, या मैं अपने घर वालों को भी नहीं लगवा रहा जब तक के इसके लॉन्ग टर्म सेफ्टी जो है श्योर ना हो जाए। बट एक चीज कहलाती है, उसे साइकोलॉजी में कहते हैं, वो मैं लिख देता हूँ, हम अपने रोल नंबर वगैरह लिख दीजिएगा, उसे कहते हैं, लेट्स सी, कहते हैं मैस हिस्टेरिया, ठीक है? ये तो साइकोलॉजिकल टर्म हो गई, आम फैम जुबान में मैडनेस ऑफ क्राउड्स भी कहा जाता है। तो जब बहुत ज्यादा कोई लोगों के दिमाग में, आवाम में ख्याल आ जाए ना, सही या गलत, तो वो उस पर बस चल पड़ते हैं, भेड़ चाल जिसे कहते हैं। तो जाहिर इन्फेक्शन फैला है, डेथ्स भी हुई है, मिलियंस ऑफ डेथ्स हुई है, तो मेजोरिटी जो है बहुत खौफजदा है, जिसकी वजह से वो फिर ऐसे डिसीजन शायद ले लें जो कि हाइंडसाइट में 5 साल बाद हम कहें कि शायद ये जरा जल्दबाजी हो गई और हमें थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए था, दूसरे रेशियोज देखते हुए कि इन्फेक्शन रेट क्या है और डेथ रेट क्या है। आप लोगों के अपने क्या वो हैं ख्यालात, अगर कोई एक्सप्रेस करना चाहे? सर क्या कह सकते हैं, बस सर जाने जा रही है, बस सर ये है कि अभी काबू पा लिए, बाकी ये सर जो बिजनेस थे ठप हो गए तकरीबन, तो ये है कि गुजारा कर रहे हैं सर, ये है कि मुश्किल तो हालात पेश तो आ रही है सर, शादी है तो इनकी। आप वो हैं फॉर वैक्सीनेशन और डू यू वांट टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन? आपने मेरा पूछा था तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। है तो वो है जॉब के लिए लाजमी तो है सर, अभी करवाने जाना है, इसलिए मैंने पूछ लिया सर आपसे भी, और उससे भी सर पूछा था। आप जॉब कर रहे हैं कहीं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो एक मजबूरी वाली बात हो जाएगी, वो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। एनीवे, ये खत्म होने वाला है सेशन, मैं दूसरे सेशन का लिंक भेज रहा हूँ, तो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी?